हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूजीसी नेट चैनल। तो आज हम एचपी सेट का एग्ज़ाम जो आज ही हुआ है उसका पेपर वन का कंप्लीट आंसर की इस वीडियो में हम अभी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका कितना स्कोर आ रहा है पेपर वन में ये आप चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका जो स्कोर आ रहा है वो आप इसमें चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई दस विच आर एसोसिएटेड फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। तो स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल आपको यहाँ पर यानी आंसर देना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट उसका पर्याय है फोकस ऑन फैक्ट एंड principles, then second है preserve global aspect of concept and material, then third है prefers and like to compete, then fourth है can organize formation and himself herself, then five है like to cooperate। तो students, इसका जो right option है ये B था, second, third and fourth इसका right option था। देन सेकेंड क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज टू। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्सेलरेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस। देन थर्ड है थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर भी मल्टीपल आपको चूज़ करना है ऑप्शंस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड इसका राइट ऑप्शन है, सी इसका राइट ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3 ये इसका राइट ऑप्शन है। देन फोर्थ क्वेश्चन है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज devoted to telecasting high quality educational program over TV। तो इसका right option क्या है? Right option है fourth model, ये इसका right option है। Then 5 which of the following factor least affecting learning। तो इसका right option क्या है? 5 का right option है C, socio economic status of family। देन सिक्स जो क्वेश्चन है द इश्यू ऑफ रिसर्च इथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेट रिसर्च। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? इसका सी राइट ऑप्शन है, एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। देन सेवेंथ क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सेवेंथ का राइट ऑप्शन है डी, कंटेंट एनालिसिस। देन एट्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। एट्थ क्वेश्चन है विच सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ट प्रेजेंट द साइकिल नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये इसका राइट ऑप्शन है। देन नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। देन इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है इसका फोर्थ, रिसर्च बिकम इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास रिलेटेड टू द फेनोमेना। देन टेंथ वाला हम देखेंगे क्वेश्चन, इफ़ अ टीचर वांट टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड से फ्लिप क्लासरूम अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड विल बी हेल्प हिम बेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन ये पैराग्राफ है 11 to 15 यानी 11 से 15 तक ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ का हम नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम जो 16 वाला क्वेश्चन है उस पर जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, पर ब्रेकडाउन इन ओवरऑल कम्युनिकेशन इज अ डिक्लेयर्ड एंड, इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? डी, एंट्रोपी इसका राइट ऑप्शन है। देन 17 का यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन क्या है इसका? यहाँ पर थोड़ा ये फ़ोटो अच्छा नहीं आया है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट ऑप्शन है 17 का डी इसका राइट ऑप्शन है। ए इज़ अ फॉल्स बट आर इज़ अ करेक्ट, ये इसका राइट ऑप्शन है। देन यहाँ पर मैच करना था आपको, देन इसका जो राइट ऑप्शन है बी, आप ये मैच कर सकते हो, आपने क्या मैच किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन बी है। देन 19 का देखेंगे हम, the communication among person working at a different level who have no direct reporting relationship is called, इसका right option क्या है students? D, diagonal communication। Then 20 वाला जो question, in a classroom transforming verbal and non-verbal singing back into a message is called, इसको क्या कहा जाता है students? इसका बी राइट ऑप्शन है इनकोडिंग। देन ये मैथ का पार्ट है यहाँ पर, इसका 21 का जो राइट ऑप्शन क्या है इसका 21 का बी, आपने क्या यहाँ पर लिखा था हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। देन 22 का जो है 22 का भी यहाँ पर बी ऑप्शन है, आप यहाँ पर आपका जो आपने टिक किया था वो यहाँ पर मैच कर सकते हो। देन 23 का यहाँ पर 23 का क्या है 23 का डी है, फिर से आप यहाँ पर कर सकते हो डी है। देन 24 का यहाँ पर 24 का नहीं है, आप ये खुद से ये कीजिए। देन 25 का क्या है देखिए 25 का है ए ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। देन 26 का क्या है 26 का है सी, सम हॉनेस्ट पर्सन आर अ रिलीजियस। तो इस तरह से ये मैथ का पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। देन 27 का जो राइट ऑप्शन है इसका 1, ये राइट ऑप्शन है, सॉरी ए इसका राइट ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, यानी प्रत्यका एंड अनुमाना, ये राइट ऑप्शन है 27 का। देन 28 का क्या है, अ डिडक्टिव आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड इफ, 28 का है डी, इट्स premises are all true but its conclusion is false। Then 29 का just a melting ice cube do not cause a glass of water to overflow, melting sea ice does not increase oceanic value, what type of argument it is? तो ये कौन से type का argument है ये आपको बताना था। 29 का है option A correct, एनालॉजिकल ये राइट ऑप्शन है। देन 30 का जो है साउंड इज़ अ इंटरनल बिकॉज इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड रेफर टू विच टाइप ऑफ हेटवा भाषा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है डी, इसका राइट ऑप्शन है सोयबिकारा, और इसका राइट ऑप्शन है। देन 31 का हम देखेंगे, NPTL स्टैंड फॉर, इसका आपको लॉन्ग फॉर्म बताना था यहाँ पर। 31 का क्या है डी, इसका राइट ऑप्शन है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग, इसका राइट ऑप्शन है डी। देन 32 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है 32 फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन है सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी, इसका राइट ऑप्शन है ए 32 का। दैन 33 का हम देखेंगे, 33 में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन हम देख लेंगे डायरेक्टली। 33 का राइट ऑप्शन है सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। दैन 34 का हम देखेंगे, 34 क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शो इन इंटरनेट सर्विस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल करेक्टली मैच। इसका राइट ऑप्शन क्या है, 34 का राइट ऑप्शन है बी, ईमेल SMTP इसका राइट ऑप्शन है। देन 35 का हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजिन, वेब सर्च इंजिन क्या है, 35 का राइट ऑप्शन क्या है बी, गूगल। देन सॉरी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस करना है आपको, यानी मल्टीपल आंसर यहाँ पर चूज़ करना है, तो इसका बी ऑप्शन राइट है, 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर ये सब कुछ सर्च इंजिन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 35 का। देन 36 का यहाँ पर क्या है देखिए, सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD इज़ सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको बताना था। 36 का राइट ऑप्शन है ए, मॉन्ट्रियल कनाडा, कनाडा में ये सिचुएटेड है। देन 37 है यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैसेज एब्सॉर्ब द रेडिएशन एनर्जी मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, 37 का है सी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में ये राइट ऑप्शन है इसका। देन 38 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट कॉज एसिड रेन, किससे होता है एसिड रेन, 38 का ये आपको बताना था, इसका राइट ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सॉरी यहाँ पर भी आपको मल्टीपल चॉइस करना था, इसका राइट ऑप्शन है बी, 1, 2 एंड 4 नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देन 4th है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन बी है। 38 का देखा हमने, तो स्टूडेंट्स 39 का हम देख लेंगे, 39 का क्या है यहाँ पर, 39 का डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताता हूँ, ये कुछ यानी खास तरह से दिख नहीं रहा है। 39 का है ऑप्शन सी इज करेक्ट, मॉडरेटर, इसका राइट ऑप्शन है मॉडरेटर। देन 40 का, 40 यहाँ पर देखेंगे, द पीरियड ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज, इसका राइट ऑप्शन क्या है ए, 2015 टू 2030, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। देन 41 का हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 31 का राइट ऑप्शन है सी, लर्नर सेंटर एजुकेशन। देन 42 का है, विच अपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेट एंड डेवलप्स इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 42 का है AICTE, इसका राइट ऑप्शन है बी। देन 43 देखेंगे हम, 43 क्या है, द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग will be a 4-year integrated B.Ed degree by the year, इसका राइट ऑप्शन क्या है, 43 का राइट ऑप्शन है सी, 2035 इसका राइट ऑप्शन है। देन 44 का क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, इसका राइट ऑप्शन है। देन 45 का हम देखेंगे, 45 का सॉरी यहाँ पर मल्टीपल आपको ये करना था, मल्टीपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर देना था। 44 का यहाँ पर सी है, यानी A, B, C, D एंड E, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है इसका। देन 45 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है इसका डी, बी, सी एंड डी इसका राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स इसका नीचे के जो क्वेश्चन है, ये डीआई के क्वेश्चन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसका यहाँ पर आप इतना ही चेक कीजिए आपका कितना सिक्योर हो रहा है स्कोर। तो इस तरह से